अच्छा मेरे को आज मैं आपको फिश बता रही हूँ, फ्राई फिश फ्राई बता रही हूँ, और सब चीजें होममेड है, कोई बाहर से कोई चीज नहीं है, हमने सिर्फ फिश ली है बाहर से। और लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और बेसन है 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 2 स्पून, हाफ स्पून नमक, और कसूरी मेथी 1 टी स्पून। इन सब चीजों को मैं मिक्स करूंगी और मैं आपको बताती हूँ इस तरह मिक्स करना है। इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी इस तरह। और ये हमने जो बेसन लिया था 2 टेबल स्पून, वो हमने भी सबको मिक्स कर लिया है। इस तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीजें, और नमक हसबे जायका, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। ये सब चीजों को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हमने सब चीजें होममेड है, कोई बाहर से कोई चीज नहीं है, सब चीजें घर पे हैं। और ये देखें बहुत आसान तरीके से ये सब हमने मिक्स कर लिया है। आप हाथ में कोई दस्ताने पहन लीजिएगा, मैं दस्ताने नहीं पहनती हूँ, मैं हाथ से ऐसे मिक्स करती हूँ। जो हाथ से सही मिक्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत खुश्क है, क्योंकि हमने इसे बेसन डाला था, इसके वजह से ये थोड़ा सा खुश्क है। हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसको, थोड़ा सा पतला कर लेंगे, ये देखें, क्योंकि आसानी से मछली में बहुत आसानी से पेस्ट लग जाएगा। आप इस तरह एक एक फिश लेंगे, उसमें इस तरह पेस्ट करेंगे, ये देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार। कम से कम इसको हम आधा घंटा रखेंगे मसाला लगा के। आप इसको सारी मछली को लगा के आप डीफ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपको जरूरत हो तो आप डीफ्रीज निकालें और फ्राई करें। बहुत मजेदार, 1 से 2 दिन के लिए आप रख सकते हैं। ये देखें बहुत ही आसान तरीका है। और अक्सर लोग मछली में ऐसे ऊपर से मसाले डालते हैं, मैं इस तरह मिक्स करती हूँ और मैं इस तरह मिक्स करके लगाती हूँ। ये देखें बहुत ही आसान तरीके से लगाया जा रहा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और अभी मैं आपको इसको फ्राई करने का भी तरीका बताऊं, लेकिन मैं आधा घंटा जरूर रखूंगी, क्योंकि आप लोगों को मुझे दिखाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। जब हम इस तरह लगाते हैं तो अच्छी तरह मछली को मसाला लगता है। ये देखिए एक एक करके लगाते जा रहे हैं। इस तरह हम मछली हम पूरे ट्रे में भी हम लगा के डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, हमने मछली को आधा घंटा हो गया हमारा, और हमने मसाला लगा के रखा था, आधा घंटा ये तैयार हो गया। अभी हमने फ्राई पैन रखा है और इसमें भी कोकिन ऑयल डालेंगे। बस थोड़ी ही 2 या 3 मिनट आप इसको पलट लें, और हल्की आंच में, जितनी हल्की आंच में फ्राई हो जितनी मजेदार। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कीजिएगा। मछली सारी पलट दी है, और कभी भी हल्की आंच में मछली नहीं उतारे, हमेशा तेज आंच में मछली उतारे। जो कि हमारी बहुत अच्छे कलर आ गए गोल्डन का, ये हमने पुदीना और लहसुन की चटनी बनाई थी साथ। और साथ में पुदीना और लहसुन के साथ।